नमस्कार। चुनाव इंडिया के में हाजिर हैं। तो जब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो दो ऐसे नेता जेल में थे जिनके नाम के साथ मुख्यमंत्री जुड़ा हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इनके जेल में रहते हुए इनकी पार्टियों का लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन कैसा रहा, इस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन पहले इस वक्त की अहम खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। सूत्रों के हवाले से जिस तरह से खबर मिल रही है कि 10 निर्दलियों या छोटे दलों से खुद गृहमंत्री अमित शाह ने बातचीत की है, सब ने एनडीए को समर्थन देने का वायदा किया है, शाम एनडीए के घटक दल राष्ट्रपति से मिलकर समर्थन की चिट्ठी सौंप सकते हैं, और घंटे भर तक चली एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन की चिट्ठी सौंपी है। और साथ ही आपको बता दें किस तरह से इंडिया गठबंधन की बैठक किस समय शुरू हो गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस खेमे पर सबकी नज़र है। राजीव, क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन पहुंच रहे हैं? बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे हैं लेकिन उनके विश्वस्त यहां पर पहुंचे हैं, कौन कौन आया है? देखिए, अभी तक जो अभिषेक बनर्जी यहाँ पर आ गए हैं, माले के लोग आ गए हैं, और दूसरे जो तमाम बड़े नेता एक एक करके आ रहे हैं, और इंडिया ब्लॉक के बैठक में इस बारे में फैसला होगा कि क्या हम सरकार बनाने के लिए दावा पेश करें या फिर विपक्ष में रहें, या सारी रणनीतियों को लेकर इस पर चर्चा होगी। और अभी तक जो इंडिया ब्लॉक के नेता ने इस बारे में पते नहीं खोले कि अगली रणनीति क्या होगी। हमारे साथी भी शरद हैं। शरद, एक चीज़ बताएं कि क्या जो इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं इस बारे में चर्चा आपस में कर रहे हैं कि क्या जो दूसरे जो नेता हैं, TDP की बात करें चाहे JDU की बात करें, उनसे क्या अनौपचारिक लेवल बातचीत हो रही है? देखिए, अभी तक राजीव जी हुआ ये है, दर्शकों को बता दें कि अभी तक अनौपचारिक तौर पे सिंगल तो बात हुई है कि अगर देखेंगे कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से बात कर ली होगी या अभिषेक बनर्जी ने किसी से बात कर ली होगी, ये तो हो रहा है। लेकिन ये जो नतीजे आए हैं इसके बाद पहली बार ये सभी दलों की मीटिंग हो रही है, और इसमें सभी दलों को पहली बात तो सामने आकर आपस में बैठने की ज़रूरत होगी, ये करने की ज़रूरत होगी कि हाँ, जैसा सोचा था लगभग वैसे ही परिणाम आ गए या उससे अच्छे परिणाम आ गए, पहले समीक्षा है। दूसरा कि क्या अब सरकार गठन हो सकता है, क्योंकि जहां इंडिया गठबंधन अपनी बैठक कर रहा है उससे पहले एनडीए ने अपनी बैठक कर ली है और उसमें बताया जा रहा है कि समर्थन पत्र सौंप दिए गए हैं, क्या सरकार बनाई जा सकती है, सबसे अहम चर्चा इस बात पर है। लेकिन शरद जो है, कल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम गठबंधन दल के जो साथी है उनसे विचार विमर्श करने के बाद में इस बारे में अंतिम फैसला लेंगे। यह भी उन्होंने कहा कि नए पार्टनर है उसके आधार पर लेंगे, और हमने जो है गठबंधन धर्म का पालन किया है, मतलब छोटे दल के साथ समझौता किया है तो हमने उनकी भावनाओं का ख्याल रखा है। तो क्या सारी चीजों को बातचीत करने के बाद ही अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे? ये गठबंधन की एक मजबूरी कह लीजिए या एक प्रोटोकॉल होता है कि जब आप गठबंधन में होते हैं तो ऐसा लगना भी चाहिए कि आप बाकी के साथ भी बातचीत करके ही आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपने कल प्रधानमंत्री मोदी को भी देखा कि उन्होंने नीतीश कुमार की भी तारीफ करी कि उनके नेतृत्व में जीत हुई है, चंद्रबाबू नायडू की तारीफ करी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ऐसे ही दिखना था कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो गई है तो वो अपनी चलाई जा रही है, क्योंकि बाकी दलों को भी साथ रखना बहुत जरूरी है, और एनडीए से ज्यादा दिक्कत इंडिया के अंदर हो सकती है, इंडिया गठबंधन में हो सकती है। क्योंकि अगर एक, इसमें यही कहा जाता था कि बहुत सारे पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, अगर एक दल जो है वो आगे बढ़ेगा या पीएम कैंडिडेट के लिए आगे कहेगा तो दूसरे जो दल हैं वो उसके लिए मनाही कर सकते हैं या फिर नाराज हो सकते हैं, जैसे नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए थे। तो ये भी जरूरी है कि सभी दल साथ दिखें, इसलिए भी ये बैठक जो है पहली औपचारिक बैठक ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल शरद बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि अनौपचारिक तरीके से, यानी ट्रैक टू जिसको बात कर सकते हैं, उनसे बाकायदा संपर्क साधा जा रहा है, चाहे TDP की बात करें चाहे JDU की बात करें, और कहीं ना कहीं जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं वेट एंड वॉच भी देख रहे हैं कि क्या इनके जो डिमांड है वो डिमांड को एनडीए जो है मोदी सरकार उसको पूरा करेगी या नहीं करेगी। उनको इशारा यह भी दिया गया कि आपकी जो कई सारे जो जायज मांगे हैं वो यहाँ पूरा हो सकता है इंडिया ब्लॉक में। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैक चैनल टॉक्स भी चल रही है, हिमांशु शेखर के पास चलते हैं।
प्रधानमंत्री के कार्यालय के आसपास है। हिमांशु, जरा बता दीजिए आपके आसपास क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या हलचल वहां पर? देखिए, मैं इस वक्त टीडीपी के जो नेता हैं और जो लोकसभा में सांसद थे जयदेव गल्ला, उनके सरकारी निवास पर हूं, जहां पर चंद्रबाबू नायडू रुके हुए हैं। और मेरी दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्थानीय लोग जो आंध्र प्रदेश के हैं, तेलुगु लोग हैं, और ये यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू को देखने के लिए आए हुए हैं। खबर है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए की बैठक के बाद एक बार फिर जयदेव गल्ला के घर पर आएंगे और यहाँ पर वो ब्रीफ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीडीपी के वरिष्ठ नेता और सांसद यहाँ पर उस घर में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और हमें ये बताया गया है कि चंद्रबाबू नायडू अपनी तौर से जो शुरुआती दौर की बातचीत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एनडीए की बैठक में होगी, उसमें आगे क्या फैसला हुआ, कैसे रोडमैप बनाया जाएगा, टीडीपी की क्या भूमिका होगी, टीडीपी की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या डिमांड्स हैं, इसके बारे में उन्होंने क्या क्या बातें बीजेपी लीडरशिप के सामने रखी और बीजेपी का क्या क्या रिस्पॉन्स था और पार्टी को आगे क्या करना चाहिए, इसके बारे में वो पार्टी के जो सांसद और वरिष्ठ नेता यहाँ घर पर मौजूद हैं उनको ब्रीफ करेंगे। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू आज देर रात तक वापस आंध्र प्रदेश लौटेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी एक नए सरकार के गठन की जो कवायद है वो तेज़ हो रही है। हमें ये भी बताया गया है कि 8 जून को जो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा उसमें चंद्रबाबू नायडू खुद भाग लेंगे, वो दिल्ली आएंगे उसमें भाग लेने के लिए, और उसके बाद फौरन वो वापस लौट जाएंगे, क्योंकि 9 जून को चंद्रबाबू नायडू का अपना शपथ ग्रहण समारोह होगा, मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे 9 जून को। तो ये रोड मैप अभी तक है। टीडीपी ने बहुत स्पष्ट जरूर कर दिया है निधि कि हम एनडीए के साथ हैं, हमने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा है, हमारा एक प्री पोल अलायंस था, हम एक विश्वासपात्र घटक दल हैं बीजेपी के और हम एनडीए के साथ रहेंगे। जहां तक सवाल डिमांड का है, उन्होंने कहा हमने कोई डिमांड नहीं किया है बीजेपी से, चर्चा बहुत जरूर है कि टीडीपी चाहती है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद उसे दिया जाए, हर 3 सांसद जो उसके हैं उस पर एक मंत्री पद उसे दिया जाए, लेकिन टीडीपी ने अपनी तरफ से कहा है कि हमने कोई डिमांड नहीं अभी तक रखा है बीजेपी के सामने, लेकिन डेलिब्रेशन, सलाह मशवरा, चर्चा के जरिए हम अपनी बात ज़रूर बीजेपी लीडरशिप के सामने रख रहे हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वहाँ से जानकारी दे रहे हैं। टीडीपी के नेता जयदेव जी के घर निवास के बाहर आप हैं और किस तरह से टीडीपी का रुख रह सकता है उस पर, और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो एनडीए के गठबंधन और सहयोगियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई है। 3 जो मुख्य चेहरे थे हम देख सकते हैं किस तरह से, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं इस समय। बहुत महत्वपूर्ण है ये बैठक और क्या इससे निकल कर आता है, किस किस चीज़ों की क्या क्या डिमांड है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, उस पर नज़र बनाए रखेंगे अपने। और अब आइए लौटते हैं एक और खबर की तरफ, जिसका हमने आपको बताया था कि किस तरह से शुरुआत में कि जो ये चुनाव है, अमिताभ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अमिताभ तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, तमाम पहलू इस चुनाव के नतीजों के कई परतें हैं, तमाम चीज़ें जो आज डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर तो हमने, आपने भी सुना जो हमारे रिपोर्टर्स हमें बता रहे हैं, लेकिन एक ये पहलू ऐसा भी है झारखंड का, दिल्ली से जुड़ा हुआ, कि अरविंद केजरीवाल जेल में है लेकिन उनके पंजाब में 3 सांसद आते हैं, या जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल में हैं हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ पर रह चुके हैं, झारखंड के हैं, उनके भी 3 सांसद आए हैं। तो ये इस पर जो एक अगर उसकी तरफ देखें तो अमिताभ, क्या कैसे आप आंकते हैं इसे, किस तरह से जो इनका वोट प्रतिशत है बड़ा भी है 2019 के मुकाबले, दोनों का सीट्स भी बड़ी हैं, ये दोनों जेल में हैं, क्या असर इसका और कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, 3 राज्यों में असर था। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक भी सीट जीत नहीं पाई, हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन था उसको 43-44% वोट शेयर मिला, लेकिन बीजेपी की लीड इतनी बड़ी थी कि 7 सीट पे वो जीत गई। अब जैसे झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड में कहीं ना कहीं ज़रूर एक सिंपथी थोड़ा बहुत हेमंत सोरेन को मिला है, लेकिन वहाँ पर जो बड़ा फैक्टर मुझे लगता है प्ले किया है वो है कि अगर आप SC ST सीट्स की बात करेंगे तो SC ST रिजर्व सीट्स पर भाजपा की जो टैली है पिछली बार से कम हुई है, लगभग 11 सीटें कम हुई हैं SC रिजर्व सीटों पर, और लगभग वैसी ही लगभग 11 सीटें कम हुई हैं, 9 सीटें कम हुई हैं लगभग ST रिजर्व सीट पर, लगभग 20 सीटों का नुकसान हुआ है।
तो एससी एसटी रिजर्व सीट्स पर, और क्योंकि झारखंड एक एसटी बहुल क्षेत्र है, बीजेपी अगर सरकार में आती है तो संविधान बदलेगी और आरक्षण खत्म कर सकती है, ये जो एक नैरेटिव था ऑपोजिशन का, ये कहीं ना कहीं एससी एसटी रिजर्व सीट्स पे काम किया है। तो झारखंड का जो वर्डिक्ट है, तीन सीटें जो वो जीते हैं, उसमें सिंपथी वेव भी है हेमंत सोरेन के लिए, और ये एससी एसटी रिजर्व सीट्स का भी वहाँ पर खेल है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी पिछली बार सिर्फ एक एमपी जीत करके आई थी, लेकिन अभी 2022 के चुनाव में उसे प्रचंड जीत हासिल हुई थी, 92 सीट्स वो जीती थी, एक रिकॉर्ड उसने बनाया था। तो वहाँ पर उसका इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, भगवंत मान इफेक्ट है, थोड़ा बहुत सिंपथी फैक्टर है, और ये नेचुरल था कि जिस पार्टी को 42% वोट शेयर विधानसभा चुनाव में है, वो कुछ सीटें तो जीत करके आएगी। तो एक से जाकर के वो तीन पे पहुंची है, और भाजपा वहाँ पर खाता नहीं खोल पाई है, जो अपने हिंदू बहुल क्षेत्रों में जो वहाँ पर वो जीती थी, और लार्जली सीटें जो हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वहाँ बंट गई। बिल्कुल, ये पंजाब पर एक और सवाल आम आदमी पार्टी के खेमे से, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने थे, लेकिन जिस तरह से जो बड़े नेता उन पर आरोप प्रत्यारोप जोर से तीखा प्रहार नहीं किया, लेकिन शायद आम आदमी पार्टी को और बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। वो क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि विधानसभा में आप देखिए किस तरह से इतना प्रचंड बहुमत था, वो क्या असर बदला, क्योंकि संगरूर में जब बाई इलेक्शंस हुए थे वहाँ पर भी शिकस्त मिली थी, तो क्या वहाँ से क्या संकेत मिलने शुरू हो गए थे? नहीं, मुझे लगता है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पंजाब एंटी सेंटर पॉलिटिक्स का हब है। 1984 में जो इंसिडेंट हुआ गोल्डन टेंपल में, उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ एक लोगों में आक्रोश है दिल्ली के प्रति, जो भी दिल्ली में बैठा होता है, कांग्रेस बैठी हो जब तो कांग्रेस के प्रति, आज भाजपा बैठी है तो भाजपा के प्रति। और ये जो आम आदमी पार्टी की दोहरी नीति है कि बगल के ही राज्य में अलायंस है, आज की डेट में तो सोशल मीडिया में कुछ भी डिस्टेंस नहीं होता है, जस्ट नेबरिंग स्टेट में अलायंस है और पंजाब में अलायंस नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को लगा कि वोट फॉर आप इज इक्वल टू वोट फॉर कांग्रेस पार्टी, एंड कांग्रेस पार्टी इज अ बिगर नेशनल पार्टी। जी जी जी, बिल्कुल। हमारे साथ विकास भदौरिया जुड़ गए मेरे सहयोगी। विकास, तो बताइए नई सरकार बनने में किस तरह की अब ताजा अपडेट आपके पास? विकास, अगर आप सुन पा रहे हो, नई सरकार बनने की क्या ताजा अपडेट? शायद विकास सुन नहीं पा रहे हैं इस समय जो सबकी नजर इस बात पर लगी हुई है। विकास, अगर आप सुन पा रहे हैं अब तो क्या डिटेल्स मिल रही हैं, जो एनडीए गठबंधन की बातचीत हुई है, बैठकें हुई हैं, क्या निकल कर आ रहा है नई सरकार के स्वरूप को लेकर, क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं? ये देखिए, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बैठक ख़त्म हुई है, कुछ देर में ज़रूर हम एनडीटीवी के दर्शकों को ये बता पाएंगे कि आखिर जो नेताओं ने, जो तमाम एनडीए के घटक दलों ने जो मांगे रखी हैं वो एज इट इज रखी हैं, या मीडिया में कुछ और हैं, अंदर कुछ और हैं, और सरकार की तरफ से उनका क्या प्रस्ताव है। लेकिन वो मांगे हम सुबह से लगातार दिखा रहे हैं कि टीडीपी चाहती है कि लोकसभा अध्यक्ष उसको मिले और तीन सांसदों पर एक मंत्री पद उसको मिले, जबकि शिवसेना का शिंदे गुट चाहता है कि उसको दो मंत्री पद मिले, उनके सात सांसद हैं, और जेडीयू का जो एक सबसे पुरानी जो मांग है उसको वो दोहरा रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दिया जाए बिहार की, ताकि बिहार के विकास में वो उपयोग में आ सके। अभी तक यही अपडेट है। इसके अतिरिक्त अपडेट होगा तो हमारे सहयोगी रवीश हमारे साथ हैं, रवीश से भी बात करते हैं। रवीश, किसी से बात हो पाई, कोई अपडेट आगे का मिल पाया है? देखिए, अभी तक यही है कि समर्थन पत्र सौंप दिया है, ये समर्थन पत्र सौंप दिया है, और एक आत्मविश्वास से भरी हुई दिख रही है एनडीए, क्योंकि आपने देखा कि मीटिंग बहुत देर तक नहीं चली, एक घंटे तक मीटिंग चली, जो फोटो भी हमारे सामने आए हैं उसमें भी सारे लोग एक साथ हैं, तो अब ये लग रहा है कि सब चीज़ें सेटल डाउन हैं, कोई ऐसी फंसने वाली चीज़ नहीं थी जैसे हम लोग सुबह से डिस्कस कर रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या आखिर रुख रहेगा, और समान नागरिकता कानून पर क्या रुख रहेगा, तो क्या इस पर कोई चीज़ बात बनती है या कुछ विचार विमर्श होता है, लेकिन अब ऐसा दिख नहीं रहा है। अब लग रहा है कि स्मूथली जो है वो सरकार का गठन हो जाएगा, स्मूथली सरकार का गठन हो जाएगा। लेकिन इस बीच निधि, एक बड़ी खबर यह है कि एनडीए में जो तमाम घटक दल हैं उनकी धार और उनकी मांग को कुंद करने के लिए बीजेपी ने एक पहल शुरू की है। गृहमंत्री अमित शाह इस पहल को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने सुबह से 10 ऐसे छोटे दल और निर्दलीय सांसदों से बात की है
जो बीजेपी के इस एनडीए का हिस्सा नहीं थे और उन्हें बीजेपी को समर्थन देने के लिए, इस सरकार को समर्थन देने के लिए राजी किया है। तो इस तरह से बीजेपी का जो एनडीए में जो बाकी घटक दल हैं उनकी मांगों को कमज़ोर करना, उनकी उनके वजन को कम करने की ये कोशिश है। और जाहिर तौर पर कोई भी अलायंस पार्टनर होंगे वो इस बात की कोशिश करेंगे कि उनको ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा दलों का या सांसदों का समर्थन मिले जो किसी भी दल के उस किसी इशू बेस्ड मुद्दे पर या किसी बिल के खिलाफ या किसी और मूलभूत मुद्दे पर अगर वो सरकार से समर्थन बाहर करना चाहे अपने आप को, तो सरकार पर उसका कोई असर ना पड़े। और यही गृह मंत्री अमित शाह ने जो पहल की थी उसकी कोशिश है। एक खास मेहमान हमारे साथ है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए मेरे साथ। खास मेहमान आज संभवी चौधरी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नई सांसद हैं, बिहार से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपको बता दें इस बार जो हमारे लोकसभा के चुनाव हुए 73 महिला सांसद चुनकर आई हैं, संभवी उससे एक हैं बिहार से। संभवी बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, बहुत मेहनत करी होगी आपने इस जीत के लिए। आपके परिवार से आपके पिताजी भी अशोक चौधरी भी नेता रहे हैं, ज़रा थोड़ा बताइए और कैसा लग रहा है, लोग क्या कह रहे हैं आपसे, ज़रा बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी चैनल का, यूनिट के सभी लोगों का। अभी जस्ट दिल्ली आए हैं, चुनाव जीत के आए हैं, अच्छा लग रहा है। और कोई भी जीत हो सेलिब्रेशन तो होता ही है, लेकिन इस बात से खुशी के वजह से ऐसा नहीं है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं है। इसी के साथ हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास भी है और हम मानते हैं और हम ये चाहते हैं कि सबकी जो हमारा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है समस्तीपुर लोकसभा, वहाँ पे हम सभी के उम्मीदों पे, उनके आकांक्षाओं पे हम खड़ा उतरें और जो भी आगे का रास्ता है उसके लिए कड़ी प्रयास करने को हम तैयार हैं। संभवी लोक जनशक्ति पार्टी से आपने चुनाव जीता, बहुत ये महत्वपूर्ण है, क्या आप लोगों से क्या वायदा आपने किया या क्या आप करना चाह रहे हैं समस्तीपुर के लिए, क्या बदलाव, खास तौर से आप एक युवा और आप एक महिला हैं, उस क्षेत्र में क्या करेंगी, क्या कुछ अगर आप सामने भी देख लें तो। जी तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक हमने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए घोषणा पत्र भी निकाला था जब हमारा कैंपेन चल रहा था, जिसमें हमारे संसदीय क्षेत्र में लोकली क्या हो रहा है और लोकली लोग क्या चाहते हैं, और उसको घोषणा पत्र को जारी करने का जो प्रोसेस था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमने सभी लोगों को बुला करके उनसे बातें की और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जिसमें सबने अपना सुझाव डाला कि वो क्या चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में हो, और उसके बाद सबको अच्छे से पढ़ के उसकी जाँच पड़ताल करके हमने एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें हमने अलग अलग तरीके से लोगों का उम्मीद था वहाँ की कनेक्टिविटी को लेकर, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वहाँ के शिक्षा स्थिति को लेके, वहाँ के स्वास्थ्य स्थिति को लेके। और हमने बार बार पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि किसान प्रधान क्षेत्र है हमारा, बहुत किसान है वहाँ पे, और एक कह सकते हैं कि मजदूरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने अपने घोषणा पत्र में अलग अलग तरीके से इनकी हम सहायता कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हमने बात किया था। और जब हम अपना कैंपेन कर रहे थे चुनाव प्रचार के समय, हमने एक और चीज़ देखी कि किसान प्रधान क्षेत्र होने की वजह से हम वहाँ पे एक अच्छा आज के युग का एक एग्रोटेक कह सकते हैं कि एक एग्रीकल्चरल बेस्ड डेवलपमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ से कह सकते हैं कि आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको हम किसानों तक कैसे पहुँचा सके और वो उसका पूरा उपयोग कैसे कर सके, उसके बारे में हमने बातें की हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे दिमाग में और ये सारी चीज़ों पर हम काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ है जिसके वादे पहले कर दिए गए थे और अभी तक लोगों की उम्मीद उस वादों से जुड़ी हुई है, तो वो सारे वादों को हमें पूरा करना है जो हमसे पहले के लोग करके गए हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, पर पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि जितना वादा हमने किया है वो सबको हम पूरा कर सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संभवी जुड़ने के लिए। उस समय की बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री को एनडीए दल का नेता चुना गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है, ये इस समय की बड़ी खबर आ रही है। नरेंद्र मोदी चुने गए हैं सर्वसम्मति से नेता, ये इस समय की बड़ी खबर है और
ये महत्वपूर्ण खबर के साथ फिलहाल एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, तुरंत लौटते हैं। और इस समय की अहम खबर है कि एनडीए की बैठक में नेता चुने गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद है, सर्वसम्मति से नेता चुने गए। विकास भदौरिया के पास चलते। विकास, तो क्या हुआ वहां पर, जरा बताइए। ये एक औपचारिकता थी जिसको पूरा किया गया है? जी बिल्कुल निधि, आपने 10 मिनट पहले मुझसे ये पूछा था कि क्या होगा, क्या हुआ अंदर, तो वो अपडेट हम अपने दर्शकों को के लिए लेकर आ गए हैं। एक प्रस्ताव 3 पैरा का पास हुआ है और उस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि हम सभी जो एनडीए के घटक दल हैं, जो चुनाव के पूर्व से एक साथ हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता सर्वसम्मति से चुनते हैं। और जो प्रस्ताव पास हुआ है वो पढ़ के सुना देते हैं क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा है, भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित देखा है। बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुन रही है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता है। हम सभी एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। इसमें आखिरी जो पैरा उसमें लिखा है, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, विकास, शोषित, वंचित, पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश को सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। और आखिरी में तारीख और स्थान लिखा हुआ है, यानी कि नई दिल्ली और 5 जून। तो औपचारिकता थी एनडीए का नेता चुने जाने की, वो पूरी हो गई है। अब एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने की जो औपचारिकता होगी वो होगी 7 जून को पार्लियामेंट के पुरानी बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में, जैसा कि आपने 2014 में भी देखा था, 2019 में भी देखा था जब प्रधानमंत्री को वहां पर नेता चुना गया था। ठीक वैसी औपचारिकता होगी। तो ये एनडीए के नेता चुने गए और उसके बाद एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, दूसरी औपचारिकता भी पूरी हो जाएगी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि सरकार गठन की प्रक्रिया की शुरुआत आज ही से हो चुकी है। निधि बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बता रहे थे किस तरह से सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री को एनडीए दल का नेता चुना गया है और वो तस्वीर भी अगर आ गई हो तो वो दिखा सकते हैं किस तरह से तमाम नेताओं ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचाई है। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और खबरों के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है इस समय। रौनक कुकरे हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से, क्योंकि महाराष्ट्र फैक्टर वहाँ से है। कौन कौन आया है रौनक यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए, वहाँ से आपसे क्या जानकारी दे सकते हैं? आज देखिए निधि, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त दिल्ली में हूं और मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में शिरकत करने के लिए महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी पार्टी से संजय राउत और अरविंद सावंत इस बार फिर एक बार तीसरी बार जो है वो सांसद चुनकर आए हैं दक्षिण मुंबई सीट से, वो यहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा NCP शरद पवार पार्टी से खुद शरद पवार जो है वो इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए। दरअसल इंडिया ब्लॉक की ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सभी तरह के ऑप्शन जो है
वो ये इंडिया ब्लॉक तलाशने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उनके पास मैजिक नंबर नहीं है, लेकिन वे चाह रहा है कि अगर किसी तरह से चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार जैसी जो दल है वो क्या सोच रखते हैं, इसको लेकर मंथन होगा। हालांकि थोड़ी देर पहले जब एनडीए की बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, दोनों ही तरफ से समर्थन का पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी पार्टी की तरफ से सौंप दिया गया है। लेकिन आज की इस इंडिया बैठक की तरफ इसलिए ध्यान लगा हुआ है कि इस बैठक में क्या कुछ चर्चा होती है, क्योंकि संजय राउत जो शिवसेना पार्टी के नेता है उनकी तरफ से साफ इस बात के संकेत दिए गए हैं कि पहले प्रधानमंत्री मोदी को आप लोग शपथ तो लेने दीजिए, लेकिन हम आपको ये गारंटी से बता सकते हैं कि हमारी गारंटी चलेगी। और ये भी हम आपको दावा करके बता सकते हैं कि 5 साल प्रधानमंत्री मोदी की ये जो सरकार है वो नहीं चलने वाली, तो क्या कुछ रणनीति तय होती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और आज इस बैठक में क्या नेता लोग क्या अपनी बात रखते हैं, इस पर हमारी नज़र टिकी होगी और कोशिश ये करेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये हम NDTV के दर्शकों को सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक, आप मुंबई से दिल्ली आए हुए हैं और जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, शरद पवार की अहम भूमिका है, शिवसेना उद्धव गुट की अहम भूमिका है, आपके पास जानकारियों के लिए आते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रौनक कुकड़े थे और एक बार फिर से हम अब 63 सीटें ऐसी हैं जो खोई हैं बीजेपी ने इस बार। अगर 2019 के मुकाबले हम देखें, पिछली बार 303 सीटें आई थी। ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो हम आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से, कांग्रेस अध्यक्ष के निवास स्थान से बताया जा रहा है, ये तस्वीरें हैं, तो इन तस्वीरों पर भी नज़र रखेंगे। इस बार के लोकसभा चुनावी नतीजों में 24 मुस्लिम सांसद चुनाव जीत कर आए हैं, हालांकि 2019 में 26 ही थे। इस पर अधिक जानकारी देने मेरी सहयोगी अदिति राजपूत। अदिति जी, तो नई लोकसभा के गठन की तैयारियां जो है वो यहां पर अब तेज हो गई हैं और नई लोकसभा में कई नए चेहरे होंगे तो कई पुराने चेहरे भी होंगे, और इन सबके बीच एक बात पर सबकी नज़र जो है वो है मुस्लिम चेहरों को कितना मौका दिया गया और कितने सांसद जो है वो जीत कर पहुंचे। तो एक आपको यहां पर हम कंपैरिजन, एक तुलना दिखा रहे हैं कि 2019 और 2024 के मुस्लिम सांसद कितने। तो अगर हम बात करें TMC की, तो 2019 में 4 सांसद थे, 2024 में 5 सांसद जो है वो जीत कर आए हैं। कांग्रेस के 4 सांसद थे 2019 में, 24 में 7 सांसद जीत कर आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, 3 सांसद थे, अब जो है कम हो गए हैं, 2 सांसद यहां पर जीत कर आए हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें, 2019 में 3 सांसद थे और 2024 में 7 सांसद जो हैं वो यहां पर जीत कर आए हैं। आगे बढ़े, BSP की बात करें तो 3 सांसद 2019 में थे, लेकिन इस बार क्योंकि BSP अपना खाता तक नहीं खोल पाई है तो 0 है। और यहां पर हम बात करें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है, 3 सांसद 2019 में थे, 2024 में भी 3 सांसद हैं यहां पर। AIMIM यहां पर 2019 में 2 सांसद थे, इस बार 2024 में सिर्फ इम्तियाज़ जलील जो हैं वो हारे हैं, सिर्फ असदुद्दीन उवैसी जीते हैं। और हम CPM की बात करें तो 2019 में 1 सांसद था इनका और इस बार कोई सांसद इनका यहां पर नहीं बन पाया है। आगे बढ़ें, अगर हम और कुछ पार्टियों का जिक्र करें, NCP 2019 में 1 सांसद, 2024 में कुछ भी नहीं। LJP का भी वही हाल है, AIUDF का भी वही हाल है, और इंडिपेंडेंट जो है वो 2019 में कोई सांसद नहीं था, लेकिन इस बार 2 सांसद जो हैं वो जीत कर आए हैं। तो अगर हम कुल की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो निकल कर आता है, 2019 में 26 सांसद थे, लेकिन इस बार लोकसभा जो होगी 2024 की, 18वीं लोकसभा जो होगी, उसमें 24 मुस्लिम सांसद जो हैं वो नज़र आने वाले हैं। तो कुछ और अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो कौन कौन से खास वो चेहरे हैं, तो आपको दिखाते हैं 2024 के जो मुस्लिम सांसद हैं, पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से यूसुफ पठान, TMC की तरफ से अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस के वो हरा कर यहाँ तक पहुँचे हैं। यूपी पर हम आए तो इमरान मसूद कांग्रेस के सहारनपुर से जीत कर सामने यहाँ पर वो निकल कर आए हैं। इसके अलावा यूपी की एक और सीट की यहाँ पर अगर बात की जाए तो कैराना से इकरा चौधरी, जो कि बहुत ही मशहूर है, बाहर से वो पढ़ाई करके आई थी समाजवादी पार्टी से, वो जीती हैं। समाजवादी पार्टी से ही गाजीपुर से अफजाल अंसारी जो हैं एक बार फिर से वो यहाँ पर सांसद बने हैं। संभल की बात करें तो जिया और रहमान जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ पर जीत के सामने आए हैं। हैदराबाद से असदुद्दीन उवैसी अब अपनी पार्टी के ये अकेले सांसद जो हैं वो हैं। लद्दाख से इंडिपेंडेंट जो है मोहम्मद हनीफ जो हैं वो यहाँ पर जीत कर
सामने आए हैं। अगर बारामूला की बात करें तो अब्दुल रशीद शेख, जो कि इंजीनियर रशीद के नाम से जाने जाते हैं इंडिपेंडेंट, उन्होंने कई दिग्गजों को यहाँ पर हरा दिया है। कटिहार की बात करें तो कांग्रेस के तारिक अनवर जो हैं वो यहाँ पर जीत कर सामने आए हैं। तो इस तरह से कई सांसद जो हैं वो यहाँ पर निकल कर आए। एक और इंटरेस्टिंग डेटा जो है वो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा साल था जब लोकसभा में सबसे ज़्यादा मुस्लिम सांसद थे। तो वो साल 1980 था जब 49 सांसद जो थे वो मुस्लिम सांसद थे लोकसभा में, और सबसे बड़ी संख्या उसी साल में थी, उसके बाद अब तक नहीं हुई है। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद अदिति इस जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।